में क्या कहता है, जिस एरिया में क्या होती है, ओजोन गैस होती है, जिस एरिया में क्या होती है, ओजोन गैस होती है या? उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। उस एरिया को क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। यानी ये जो लेयर बनी हुई है, ये अब देखना बॉर्डर पर, बॉर्डर के अंदर ही गैसेस बनाई है ना मैंने, ड्रॉप की है। हाँ, तो इस बाउंड्री को, इस लेयर बोलते हैं ओजोन लेयर। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, समझे ना। और सर, ये पूरी ओजोन लेयर होती है किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। किसके अंदर, एक हमारा सेकंड लेयर होता है हमारी अर्थ का, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके अंदर 20 से लेकर 30 किलोमीटर की हाइट पर, 20 से लेकर 30 किलोमीटर की हाइट पर ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है। 30 किलोमीटर के ऊपर ये ओजोन लेयर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और 20 से नीचे ये क्रिएटिंग नहीं होती। तो 20 से लेकर 30 किलोमीटर, यानी केवल 10 किलोमीटर के हाइट पर ये एग्जिस्ट करती है। तो ध्यान रखनी है आपको ये वैल्यू है, एमसीक्यू बन सकता है इस चीज़ का। आपको पता नहीं, जो लेयर है ना, लेयर ये लेयर ना छोटी होती जा रही, कैसे होती जा रही है, छोटी। अगर बड़ी होने का मतलब कैसा, बड़ी होने का मतलब ये इस साइड फैलेगी, इस साइड फैलेगी ना ये, लेकिन छोटी होती जा रही। छोटी मतलब क्या, ये ऐसे छोटी होती जा रही, छोटी होती जा रही लेयर, ये छोटी होती जा रही, छोटी होती, पता है क्यों, छोटी होने का मतलब पता है क्या है, ये खत्म होती जा रही। ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो देखो, पहले कितनी सारी गैसेस थे, पहले कितनी सी गैसेस रह गई हैं, पहले कितनी सारी ओजोन गैसेस थे, कितनी सारी गैसेस रह गई हैं, थोड़ी सी। यानी कि ओजोन लेयर के खत्म होने से गैसेस कम हो जाएंगी, ओजोन लेयर के कम होने से, छोटी होने से गैसेस भी कम हो जाएंगी। आप ये बताओ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, हैंग तो नहीं हो रही वॉइस, हैंग हो रही है। से रुकने जा रहा, हाँ बस 2 सेकंड और रुको बेटा। ठीक है, अब क्लियर आ रही है आपको, क्लियर।